दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका जी नाइन कार एडवाइस के न्यू वीडियो में। आज हमारे साथ रहे हमारे मित्र गजेंद्र जी। आज हम इनको कार चलाना सिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, इनको कोई नॉलेज नहीं है अभी कार वगैरह का। पूरा शुरू से ए से लेकर जेड तक बताएंगे कार के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अंदर चलते हैं। चलिए गाड़ी के अंदर चलिए। बंद कर। तो हम आ गए गाड़ी के अंदर। चलिए पहले चाबी चालू कर। तो गजेंद्र भाई आ गए ड्राइविंग सीट पर। सबसे पहले हम इनको बता देते हैं कि गाड़ी चलाने से पहले सबसे पहले आप सीट एडजस्ट कर लीजिए आपकी आपके ड्राइविंग सीट के सब जो देखिए आपको सीट एडजस्ट करना है। यहाँ एक आया ये वाला हाथ रखिए और इस हाथ से आप एडजस्ट कीजिए आपके हिसाब से। हाँ ये आपके हिसाब से एडजस्ट हो गई है। अब नेक्स्ट बात है जो अपने को ओ आर वी एम और आई आर वी एम पे देखना है। जो साइड के जो मिरर है वो बाहर वाले ओ आर वी एम और बीच वाला आई आर वी एम। तो जो आपके हिसाब से आप वो एडजस्ट कर लीजिए पहले। ये यहाँ से एडजस्ट हो जाते हैं आपके। ठीक है आपके हिसाब से एडजस्ट हो गया। आपको पीछे का दिख रहा है? ठीक है दिख रहा है। इधर इधर वाले से ठीक है और ये बीच वाला भी आपके हिसाब से हो गया। हो गया। अब जो नेक्स्ट बात है वो आपको करना है की लगाना है। जो की लगाना है वो आपको इसके अंदर डालना है की को। और एक मिनट वापस ऐसे नॉन हो गया। आप सबसे पहले आप गाड़ी के समझ लीजिए। ये देखिए ये सीट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ये जो है जो राइट साइड में फर्स्ट में वो आपका एक्सीलेटर है। बीच में आपका ब्रेक है और साइड में आपका ये क्लच है। जो एक्सीलेटर है आपका जैसे आप इसको ऐसे भी समझ लेते ए बी सी एक्सीलेटर ब्रेक क्लच। तो जो आपका राइट राइट हैंड पैर है उससे आपको सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक प्रेस करना है। लेफ्ट हैंड से आपको सिर्फ क्लच ही प्रेस करना है। लेफ्ट हैंड से आपको ब्रेक नहीं लगाना है। लेफ्ट हैंड का भी सिर्फ यूज है क्लच दबाना। राइट पैर से ही आपको ब्रेक लगाना है। सेकेंड जो चीज़ है आपको देखना है वो है आपका गियर। देखिए गियर में आपको मेंशन कर रखा है यहाँ पर 1 है यहाँ 2 3 4 5 6 इस तरह से दे रखा है। बीच में जो है ये जो लाइन दिख रही है न्यूट्रल है। जैसे आपको फर्स्ट गियर लगाना है तो आप क्लच दबाकर लेफ्ट हैंड पर ये ऊपर आपका फर्स्ट हो गया ये आपका ये सेकेंड हो गया और इसके ही ऊपर में अपन सीधा करेंगे ऊपर की ओर तो ये थर्ड हो गया और इसके नीचे डायरेक्ट ये फोर्थ हो गया। इधर आपका ये फिफ्थ हो गया और इसके नीचे ही आपका रियर्स हो गया। तो आप एक बार गियर की प्रैक्टिस कर लेना। आपको गियर की प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। आप फर्स्ट गियर लगाइए सेकंड गियर लगाइए ठीक है थर्ड गियर लगाइए न्यूट्रल करके लगाना है फोर्थ गियर लगाइए फिफ्थ लगाइए उधर उधर की साइड करके आपको राइट हैंड कर से बीच में न्यूट्रल कीजिए। हाँ ये फिफ्थ है और इसके नीचे आपका रिवर्स गियर लग गया। पूरा क्लच दबा के आपको करना है ये नहीं है ये आपको पूरा इधर करके ये आपका रिवर्स गियर लग गया। ठीक है अब नेक्स्ट बात है जो आपको इंडिकेटर जो आपके इंडिकेटर टर्न इंडिकेटर आगे आप अगर ये वाले इसको आप नीचे करेंगे तो आपका राइट हैंड का चालू हो गया। आप अगर इसको ऊपर करते हैं तो लेफ्ट हैंड का हो गया। ठीक है ठीक है ये आपको इंडिकेटर जरूर देना है। और जब भी आप गाड़ी पर ब्रेक लगाइए तो आप शीशे में जरूर देखिए। जब भी ब्रेक लगाइए तो आई आर वी एम में देख कर ही पीछे ब्रेक लगाना है। और साइड में आप जब भी गाड़ी को ले तो आपको ओ आर वी एम में जरूर देखना। ठीक है ठीक है आप सीट एडजस्ट कर लीजिए। सीट बेल्ट लगा लीजिए। सीट बेल्ट जरूर लगाना है। सेफ्टी का जरूर ख्याल रखना है। हम भी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। सीट बेल्ट लगा ली है हमने। अब सीट एडजस्ट हो गई है आपके हिसाब से।
अब आपको क्लच दबाकर गाड़ी को स्टार्ट करना। पहले गाड़ी को आप न्यूट्रल कर लीजिए, गाड़ी को न्यूट्रल कर लीजिए आप, न्यूट्रल आप क्लच दबाइए और गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। एक बार ऐसे ही घुमाएंगे आप तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आपने गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आप इसको ऐसे आप इसकी वॉइस चेक करके और ये जो लाइट चली जाती है तो आप इसको देख के कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम करना है जो अपने को हैंड ब्रेक उतारना है, ये इसको प्रेस करके ठीक है। हैंड ब्रेक आपने उतार लिया, आप फर्स्ट गियर लगाइए आप क्लच दबाकर, वो धीरे 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 आपको क्लच छोड़ना और धीरे धीरे एक्सीलेटर देना है। धीरे धीरे धीरे, इतना एक्सीलेटर प्रेस नहीं करना, धीरे धीरे। गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए आपकी। करिए आप एक क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर दीजिए, थोड़ा पीछे देख लीजिए, दीजिए दीजिए एक्सीलेटर दीजिए थोड़ा। हाँ क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर दीजिए। हाँ हाँ छोड़िए क्लच, एक्सीलेटर दीजिए थोड़ा, छोड़िए छोड़िए, छोड़ दीजिए क्लच, एक्सीलेटर देख। ठीक है अपनी गाड़ी चलना। आप ये स्टेयरिंग को सीधा कर लेना, अपने को बीच में रखना है इसको। ठीक है आप धीरे धीरे गाड़ी चलने दीजिए। ठीक है गाड़ी चल रही है अपनी, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, गाड़ी चल रही है, स्टार्ट हो गई है चलना। ठीक है आप सेकंड गियर लगाइए, क्लच दबाइए, क्लच दबा लीजिए पहले। अब सेकंड गियर लगाइए बीच में, इधर की लेफ्ट हैंड करके, लेफ्ट हैंड करके। हाँ ये सेकंड गियर लग चुका है। ठीक है चलाइए आप धीरे धीरे, स्टीयरिंग को बीच में रखना आप। देखिए गजेंद्र भाई की गाड़ी चलने लगी है, पहली बार गाड़ी चला रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको गाड़ी चलने? बहुत ही अच्छा लग रहा है पहली बार गाड़ी चलाने पर। ठीक है तो चलने दीजिए वीडियो, चलाइए धीरे धीरे, प्रैक्टिस करना है ऐसे खुले रोड पे प्रैक्टिस करना है। अभी आपको कोई आसान, दो तीन दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे खुले रोड पे तो आप बढ़िया आप चलाना सीख जाएंगे, रोड पर भी चला सकते हैं। ठीक है आप थर्ड गियर लगा लीजिए, क्लच दबाकर, क्लच दबाना आपको, पूरा क्लच दबाना है। हाँ सीधे ठीक है चलने दीजिए। ये गजेंद्र भाई की गाड़ी चल रही है, स्टीयरिंग जो आपको बीच में रखना है और आगे पीछे ध्यान जरूर रखना है। तो कोई बड़ा मुश्किल काम है गाड़ी चलाना? नहीं कोई मुश्किल काम नहीं, अगर सही से सीख गए तो आप आसानी से गाड़ी चला सकते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ही मजा आ रहा है गाड़ी चलाने। इसी प्रकार अगर आप क्लच दबाइए, आप नहीं नहीं एक्सीलेटर नहीं देना है, क्लच दबा कर ब्रेक लगा लीजिए। आप क्लच दबाइए, ब्रेक लगा लीजिए, गाड़ी को न्यूट्रल कर दीजिए बीच में, न्यूट्रल बीच में कीजिए इसके बीच में। हाँ न्यूट्रल हो गई है, अब हैंड ब्रेक चढ़ा दीजिए। इसको दबा के नहीं करना, देखिए ये जो करना है ऐसे, ये अपना हैंड ब्रेक लग गया, जब इसको उतारना है जब ऐसे करके आपको। ठीक है ये हैंड ब्रेक से अब गाड़ी की बंद कर दीजिए, गाड़ी बंद हो जाएगी। कैसी फीलिंग आई गाड़ी चलाकर? बहुत ही अच्छा लगा पहली बार गाड़ी चलाने पर। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करके गाड़ी चला सकते हैं, बहुत ही इजी है, बस आपको खुले रोड पर इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना। दो तीन दिन आप इस बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप हाईवे पे गाड़ी लेकर जा सकते हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसा लग रहा है? देखिए गजेंद्र भाई गाड़ी चला रहे हैं। अगर आप इसी प्रकार थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और कुछ टिप्स का ख्याल रखते हैं तो आप आसानी से गाड़ी को चला सकते हैं। कोई बड़ा भारी काम नहीं है गाड़ी चलाना, बस सेफ्टी का जरूर ख्याल रखें। गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट जरूर लगाए और थोड़ा सी इंस्ट्रक्शन को जरूर संभल कर चले, बाकी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप गाड़ी चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। चलिए देखिए, ये देखिए गजेंद्र भाई गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग को सीधा आप रखिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल G9 कार एडवाइस पे। ठीक है बाय बाय दोस्तों।